नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। आज का जो विषय है वो है मोबाइल शॉप। आपकी अपनी दक्षिणमुखी मोबाइल शॉप है या शोरूम है, या आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं, नई दुकान खोलने जा रहे हैं, या आप अपनी दुकान को अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी दुकान को अपने शोरूम को रेनोवेट करते हुए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता रहता हूँ। और आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है आपकी अपनी साउथ फेसिंग दक्षिणमुखी मोबाइल शॉप। आपने अपनी दक्षिणमुखी मोबाइल शॉप बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने जो ध्यान रखना है, जो आपकी अपनी दुकान है, जो आपका अपना शोरूम है, वो बाहर सड़क के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। आपके बाहर जो आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है, उसके बाहर जो सड़क का भाग आता है वो टूटा हुआ, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। आपकी दुकान के बाहर नाला आता है तो आपने उस नाले को अच्छे तरीके से ढकवाना है। नाले के ऊपर जो आपने पत्थर लगाना है वो लाल रंग का पत्थर लगाकर उसे अच्छे तरीके से कवर कराना है। और उसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब नाले को आप कवर कराएंगे तो जहां आपका अपना अंदर आने का जो एंट्रेंस बनती है वहां पर आपका पत्थर बिल्कुल एक लेवल में होना चाहिए और बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद का मतलब जैसे पत्थर के टुकड़े लगते हैं, पत्थर के टुकड़े लगने से बीच में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का स्पेस रह जाता है। कोशिश करना कि आप अपनी दुकान के बाहर के भाग में पत्थर के बीच में जो जॉइंट्स बनते हैं उनको भी अच्छे तरीके से फिल करें। अगर पूरा फिल नहीं कर सकते, भर नहीं सकते, तो आपकी अपनी जो एंट्रेंस बनेगी उस एंट्रेंस के आगे आपने पत्थर को बिल्कुल फिक्स कराना है। पत्थर का रंग लाल होना चाहिए। जो आपकी अपनी दुकान के बाहर जो शटर लगेगा, शटर के ऊपर जो रंग होना चाहिए रेड कलर होना चाहिए या ब्राउन कलर होना चाहिए, ब्राउन में रेडिश ब्राउन कलर होना चाहिए या ऑरेंज कलर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम मीटर की। आपके यहाँ मीटर आपकी अपनी दुकान में लगता है तो आपने अपनी दुकान के अंदर, अपने शोरूम के अंदर मीटर कहाँ लगाना है? मीटर आपने अपनी दुकान में, अपने शोरूम में साउथ ईस्ट के भाग में मीटर लगाना है और यहीं पर आपका एमसी बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पर ही आपका अपना इन्वर्टर आ जाएगा। आपने इन्वर्टर भी यहीं पर लगाना है। आपके अपनी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल का शोरूम है, तो उसमें फ्रंट के भाग में ग्लास का पार्टीशन लगाया जाता है और एक डोर रखा जाता है कस्टमर के आने जाने के लिए, खुद के आने जाने के लिए। वो दरवाज़ा आपने रखना है वो साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर, यहाँ पर आपने अपना डोर रखना है, दरवाज़ा रखना है। यहाँ से आप, आपका स्टाफ और आपके कस्टमर अंदर आएंगे। आपने अपनी दुकान में जो काउंटर बनाना है वो वेस्ट की दीवार के साथ काउंटर बनाना है। नॉर्थ की वॉल से शुरू करके साउथ की वॉल तक आपने काउंटर बनाना है। आपने अपने यहाँ पर जो स्टोरेज बनानी है और डिस्प्ले करनी है वो आपकी वेस्ट की दीवार पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर आपने डिस्प्ले करनी है और स्टोरेज करनी है। आपके यहाँ वेस्ट की दीवार पर नीचे के भाग में 3 फीट के करीब की हाइट की स्टोरेज बनेगी और उसके ऊपर आपकी अपनी मोबाइल की डिस्प्ले आ जाएगी। साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक आप यहाँ पर कंप्लीट डिस्प्ले करें। इसमें जो नीचे का भाग है उसके अंदर आपकी अपनी स्टोरेज आ जाएगी। एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें जो आपकी ये अलमीरा बनेगी, जो नीचे स्टोरेज बनेगी साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक, इस भाग में आपने ध्यान रखना है जो आपकी ये अलमारी बनेगी, जितनी चौड़ाई आपकी अलमारी की है उतनी ही चौड़ाई का साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक आपने 4 से 6 इंच का
प्लेटफॉर्म बनाना है। जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो बिल्कुल ठोस बनेगा। ऐसा करने से आपके यहाँ हमेशा ही बरकत बनी रहेगी, आपके यहाँ हमेशा ही प्रॉफिट आता रहेगा और आपके जो कस्टमर आएंगे वो हमेशा ही सेटिस्फाई होकर जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम डिस्प्ले की। आप अपने फ्रंट के भाग में साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर जहाँ तक आपका अपना गेट आता है, इस भाग में भी आपने डिस्प्ले करनी है। जो आपका अपना काउंटर है, नीचे के भाग में स्टोरेज आ जाएगी और ऊपर के भाग में आपका ग्लास लग के उसके अंदर आपकी डिस्प्ले बन जाती है। जो आपके मोबाइल है वो काउंटर के अंदर डिस्प्ले के रूप में नज़र आएंगे। आपके यहाँ आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है, एक रिपेयरिंग टेबल भी लगाई जाती है। चाहे आपकी मोबाइल की रिपेयरिंग हो या हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा मोबाइल से रिलेटेड ही काम हो, उसके लिए जो टेबल लगाई जाती है वो टेबल आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के भाग में लगानी है। ओनर की जो सीटिंग है, ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट में बनानी है और ओनर के राइट हैंड में ही आपने अपना गल्ला बनाना है। एक गल्ला आपने साउथ वेस्ट में साउथ की दीवार पर बनाना है जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगा। जो आपका राइट हैंड की ओर गल्ला बनता है वो वेस्ट की ओर ओपन होता है। इसके अंदर आपके रूटीन में जो पैसे, जो कस्टमर पैसे देकर जाता है, वो पैसा आपने यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ से पैसा निकाल के आपने साउथ वेस्ट में जो ग्रोर आपकी नॉर्थ की ओर ओपन हो रही है, यानी इस ग्रोर के अंदर आपने पैसा रखना है। ये पैसा हमेशा ही आपको बरकत देगा, प्रॉफिट देगा और आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आपका जो स्टाफ है वो आपका स्टाफ यहाँ पर आ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर जो चेयर रखनी है, येलो कलर या ब्लू कलर की चेयर ही आपने अपने यहाँ पर अपने लिए और अपने स्टाफ के लिए रखनी है। जो काउंटर, जो फर्नीचर है, उसका जो कलर होना चाहिए या तो वाइट कलर होना चाहिए या ग्रे कलर होना चाहिए या सिल्वर कलर ही होना चाहिए। कस्टमर जब गेट से अंदर आता है तो कस्टमर काउंटर के सामने खड़ा हो जाता है और आपको लगता है कि कस्टमर के लिए सीटिंग की अरेंजमेंट करनी है तो आप ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर चेयर की व्यवस्था कर सकते हैं या सेटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं या बेंच रख सकते हैं। ध्यान रखना है जो चेयर का कलर होना चाहिए, सबसे पहले तो ग्रीन कलर होना चाहिए। ग्रीन कलर नहीं आता तो यहाँ पर आप लाइट ब्राउन कलर का कलर की चेयर ला सकते हैं। अगर आप सेटी रखते हैं तो ध्यान रखना है सेटी के अंदर कभी भी सामान भर के नहीं रखना। सेटी ना बनवा के आप यहाँ पर स्टूल नुमा बेंच बनवाते हैं और उसके ऊपर गद्दी लगवाते हैं तो गद्दी का जो कलर है वो ग्रीन कलर होनी चाहिए या लाइट ब्राउन कलर की ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर आपने कहाँ बनाना है? मंदिर आपने नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आपने अपना मंदिर बनाना है। और पीने का पानी जो आपने रखना है, पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ की दीवार के साथ पीने का पानी रखना है। पानी के लिए जो आपने मिरर जग लेके आना है, उसका जो रंग होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर का ही होना चाहिए। और अब बात करते हैं पूरी दुकान के अंदर, पूरे शोरूम के अंदर जो आपने कलर कराना है वो कलर सिर्फ आपने ऑफ वाइट कलर ही कराना है। यदि आप इस तरीके से अपनी मोबाइल की शॉप तैयार करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही बरकत होती रहेगी, हमेशा ही आपकी दुकान प्रॉफिट में रहेगी। क्योंकि मैं हमेशा ही आपके साथ वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की जानकारी शेयर करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।